अभी अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मालदीव और भारत के साथ में जंग छिड़ गया है। ये जंग टिप्पणियों से शुरू हुई जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे और वो अपने समुंदर में गोता लगाए थे, यानी वो एक द्वीप पर गए थे और वो उन द्वीप को अच्छा बताया। यहाँ तक कि बोले कि मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे भारत में ही लक्षद्वीप है। उसको लेकर टिप्पणियाँ बहुत सारे मालदीव से आ रही हैं और उसको लेकर हर एक नेता, हर एक मंत्री मोदी को गलत बता रहे हैं। और यहाँ तक कि ट्वीट में कह दिया कि मोदी एक जोकर है। उनके ही एक मंत्री ने मोदी को जोकर करारा एक ट्विटर पर टिप्पणियां करी है। इसको लेकर भारत के सभी जनता मालदीव की टिकट कैंसिल कर रहे हैं, लाखों लोग टिकट कैंसिल कर चुके हैं और यहां तक कि नेता अभिनेता, बड़े बड़े अभिनेता लोग आ करके मालदीव को गलत बता रहे हैं और भारत के लक्षद्वीप को अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि अब मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है, अब भारत में ही मालदीव जैसा लक्षद्वीप है उसका आनंद हम ले सकते हैं। यहाँ तक कि मालदीव कि पानी थोड़ी बहुत अब गंदी हो रही है और हमारे भारत की लक्षद्वीप की पानी बहुत ज़्यादा अभी सुरक्षित है और अच्छा खासा घूमने वाले भी जगह है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है ये दोनों देशों को। तब बताया जा रहा है कि जब से अब से प्रधानमंत्री वहाँ लक्षद्वीप पर गए हैं और उसका ट्विटर पर ट्वीट किए हैं, तब से ये मामला पूरी तरीके से गंभीर हो चुका है और अभी बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।